नारा से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एक बार फिर सुर्खियों में। विधायक सहित पीए व अन्य साथियों पर लगाए मारपीट के आरोप। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हूं मामला दर्ज। शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने आज कोतवाली में आवेदन देकर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत की है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरिओम धाकर ने आज स्टाफ के साथ कोतवाली पहुंचकर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी व उनके पीए के साथ अन्य लोगों पर डराने, धमकाने व मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायत की। उन्होंने बताया कि सविता रघुवंशी नाम की मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, जिसके चलते कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अपने पीए व अन्य साथियों के साथ 1 नवंबर 2022 को रात 10 बजे आए और कहा कि डॉक्टर वर्मा से बात कर लो, जिस पर मैंने कहा कौन है तो बोले कि तेरा बाप है, जिसके चलते मैंने बात कही और सविता रघुवंशी मरीज के संबंध में पूरी जानकारी ली तो उन्हें दी, लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे गाली गलौज करते रहे, जिसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया। वहीं डॉक्टर भयभीत है, उसने आज कोतवाली में पहुंचकर अपने साथियों के साथ शिकायत की है। वहीं कोतवाली टीआई सुनील खेमरिया को दिया आवेदन में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। डॉक्टर रियम नागर, आपके साथ क्या घटना हुई? मैं ड्यूटी पर था, नाइट ड्यूटी थी मेरी सर्जरी विभाग में। मैं अपना काम कर रहा था, तभी 3-4 लोग आए एक मरीज से मिलने, मुझे लगा उसके परिजन है, तो मैं तो अपना काम कर रहा था। वो लोग फिर बाद में मेरे पास आए फोन लेके कि वर्मा जी से बात कीजिए, डॉक्टर वर्मा से बात कीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर वर्मा को, वर्मा जी को बोला कि कंपाउंडर से बात कीजिए। मैंने बोला कि मैं कंपाउंडर नहीं, ड्यूटी डॉक्टर हूँ। तो इस बात पे उनको पता नहीं इतना गुस्सा आ गया, गाली गलौज करने लगे और अपने साथियों को बोला कि इसको, इस साले को, इस साले को बोलिए। वो उनके साथियों ने बताया कि ये विधायक जी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी जी। और कौन था उनके साथ? उनके साथ उनके पीए थे और 2-3 लोग और थे। आपके साथ क्या क्या किया? उन्होंने गाली गलौज की और कॉलर पकड़ा और मारा भी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? जी, कॉलेज में सुबह डीन सर को भी लेटर दिया है, एचओडी सर को भी लेटर दिया है, एमएस सर को भी लेटर दिया है। उन लोगों ने बोला कि कार्रवाई करेंगे और नहीं किया अभी तक। आपने आज आवेदन दिया, लगभग 24 घंटे होने वाले जी, फिर क्यों इसको ढील डाल क्यों रही थी? क्योंकि प्रॉपर चैनल से आना उचित लगा कि ये डिपार्टमेंट ऑन ड्यूटी डॉक्टर था मैं उस टाइम पे, तो ये घटना अस्पताल की और उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बहुत ढीला है। और भी किसी के मतलब आपके यहाँ से कहीं संलिप्तता आपको लग रही है? जी, वीडियो है जी, जी उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, घटना का पूरा कुछ सीसीटीवी फुटेज कॉलेज में कुछ उसमें उन लोगों ने हम लोगों को दिखाया नहीं। हम लोगों को बोला कि मीटिंग के बाद जो भी फैसला लेगी कमेटी वो तो लगेगा कि सीसीटीवी फुटेज मंगाना चाहिए, तो मंगाएंगे नहीं तो नहीं देंगे। जो आपको प्रोवाइड किया है उसमें क्या कुछ? वो हम लोगों को बहुत देर जिद करने के बाद कुछ नहीं दिया। आपको कुछ नहीं? क्या मामला कैसे? जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से 10-12 लोग डॉक्टर लोग आए हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया है कि कल विधायक जी और उनके साथियों के द्वारा हमारे साथ में अभद्रता की गई है, मारपीट भी की गई है, उसका उन्होंने आवेदन दिया है। तो कल, चूंकि कल रात की घटना है, तो हम सीसीटीवी फुटेज दिखवा रहे हैं, हमने आवेदन ले लिया है, जाँच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी तस्दीक करने के बाद। आपके